हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी ये क्लास होने वाली है समाजकारी में यूजीसी नेट से संबंधित, ये आज की क्लास है हमारी और मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं। आज की क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट अधिनियम के बारे में, साथ ही साथ कुछ चिकित्साओं के बारे में और कुछ योजनाएं और महत्वपूर्ण किताबों के बारे में आज की क्लास बेस्ड है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो यूजीसी नेट के साथ साथ मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए भी, मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए भी यानी उत्तराखंड, पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी, एमपी पीएससी सोशल वर्क की भी। तो आज की क्लास नोट करिए, मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं सभी अधिनियम के बारे में, यानी कुछ अधिनियम ऐसे मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे टॉपिक होगा, और आज का टॉपिक होगा सभी चिकित्सा के बारे में, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सभी योजनाओं के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं सोशल वर्क में। इम्पोर्टेंट क्लास है ये आज की। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अब आप लोग जो है शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप सभी लोग अब अध्ययन करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि पता है आप लोगों को कि मैं अपनी क्लासेस में शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को तैयार करवाता हूं, तो इसका पढ़ना आप सभी लोग स्टार्ट कर दीजिए। क्या क्या पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स में तो आप नोट करना है, नोट कर लीजिए। चैप्टर नीड टू बी कवर, कौन कौन से चैप्टर आप कवर करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को और उसी को कवर करना है आपको। पहले पॉइंट में आपको क्या करना है, थ्योरीज, यानी मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं यूनिट नंबर एक पर, ध्यान सुनिएगा, मैं अभी यूनिट नंबर एक पर बात कर रहा हूं। इसी तरीके से आपको 10 यूनिट के बारे में बताऊंगा। तो थ्योरीज आपको पढ़नी है, थ्योरीज फॉर सोशल, थ्योरीज फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको लिखवाया है इसके बारे में, सोशल वर्क और सेवार्थी के संबंध में कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं, ये आपको आज से पढ़ने हैं। दूसरी पॉइंट आपको पढ़ना है द एलिजा, ठीक है, नोट करिएगा, एलिजाबेथन पुअर लॉ और 1601, ये पॉइंट आपको पढ़नी है। तीसरी पॉइंट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी यूके के बारे में पढ़ना है और यूएसए के बारे में पढ़ना है, ये तीसरी पॉइंट होगी। चौथी पॉइंट आपको पढ़ना है मेजर सोशल, ठीक है, रिलीजन मोमेंट ऑफ इंडिया, मोमेंट, ठीक है, मोमेंट्स ऑफ इंडिया, ये आपको आज से पढ़ने हैं। कौन कौन से जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन है उनके बारे में आपको पढ़ना है। चार पॉइंट इंपॉर्टेंट हुआ है, आगे हम बात करते हैं और। यूनिट नंबर एक के अंतर्गत आपको कुछ पढ़ने हैं मेजर इन्वायरमेंटल आप कह लीजिए मोमेंट, और कौन सा मोमेंट आप पढ़ेंगे तो ध्यान रखें इन इंडिया का। पांचवी पॉइंट हो गई। सिक्स पॉइंट आपको पढ़ना है सोशल रिफॉर्म मोमेंट, ध्यान से सुनते चलिएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट चीजों पर मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, मोमेंट, ठीक है, मोमेंट्स के बारे में। वहीं ऑब्लिक करके आप नोट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी के दौरान में आपको पढ़ने हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में आपको क्या पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स मैं आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड करा रहा हूं, लेवल ऑफ थ्योरीज, ठीक है, एंड सोशल वर्क प्रैक्टिस आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा माइक्रो लेवल थ्योरी होगी एक पॉइंट। दूसरा इसी के अंतर्गत एक पॉइंट आपको पढ़नी होगी ग्लोबल थ्योरी और एक आपका होगा मिडिल, ठीक है,
मिडल रेंज थ्योरी, मिडल रेंज थ्योरी ध्यान से सुनते चलिएगा, इनको आप लोगों को पढ़ना है ये तीन, और उसके बाद आपको पॉइंट नंबर 8 और यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 1 का एकदम अंतिम बिंदु लास्ट, एक है माइक्रो और एक है आपका मीजो और तीसरा आपको ध्यान रखना है माइक्रो, ठीक है। तो मैक्रो, मीजो और माइक्रो वर्कर्स के बारे में आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट है जो मैंने अभी सिलेबस पर बात किया है यूनिट नंबर 1 में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपनी कॉपी पर ये पॉइंट यूनिट नंबर 1 को नोट किया होगा और ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहां से प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ अधिनियम के बारे में, और एक एक अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप सभी लोग कॉपी पेन साथ में रखें और इसको लिखते भी जाइए। नंबर 1 पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो एक आता है आपका आपराधिक प्रक्रिया संहिता एक्ट, और यह एक्ट आता है सन 1973। दूसरा आयकर, आयकर एक्ट, और यह आता है 1961। तीसरा आर्थिक अपराध जो सीमा के नमूना रेट में एक्ट के नाम से जाना जाता है, बेसिकली इसे आर्थिक अपराध के अंतर्गत रखा जाता है। तो मैं आपसे कहूंगा ये एक्ट जो आया था वो 1974 में आया था। पॉइंट 4 आपको ध्यान रखना है आवश्यक वस्तु एक्ट, आवश्यक वस्तु एक्ट, और ये आपका नोट करना है आप लोगों को सन 1955। पांचवें नंबर पर आपको नोट करना है उद्योग विकास और विनिमय अधिनियम है, विकास और विनिमय अधिनियम है, और इस एक्ट की बात करते हैं तो 1951 है। पॉइंट नंबर 6 उपभोक्ता संरक्षण एक्ट है, यह आपको ध्यान रखना है 1986। पॉइंट नंबर 7 उपहार कर अधिनियम होता है जिसको गिफ्ट टैक्स एक्ट के नाम से जानते हैं, उपहार कर एक्ट है, और यह एक्ट 1958 में आया था। तो ये 7 एक्ट यहां पे हुए, सभी एक्टों को ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 8 नंबर का एक्ट आएगा ऋण सूचना एक्ट, और यह एक्ट आता है सन 2005। उसके बाद एक आता है औद्योगिक नियोजन, इंपॉर्टेंट है ये नियोजन, अस्थाई आदेश पर बात करता है, और इस एक्ट की बात करता हूं तो सन 1946। 10 नंबर पे औद्योगिक विवाद अधिनियम की बात करता हूं, यह भी इंपॉर्टेंट है, तो यह एक्ट आता है 1947। पॉइंट नंबर 11 पर बात करता हूं तो कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट है, और यह 1956 में। 12 नंबर पर बात करेंगे कंपनी सेक्रेटरी एक्ट, और यह एक्ट आता है 1980 में। 12 आपके हो गए कंप्लीट। 13 नंबर का आप नोट करिएगा कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, इंपॉर्टेंट है ये, कर्मचारी क्षतिपूर्ति एक्ट की बात करेंगे तो सन 1923 में आ जाएगा। 14 नंबर का ध्यान रखिएगा कर्मचारी भविष्य निधि एंड प्रकरण उपबंध का एक्ट है, और यह एक्ट 1952 का आता है। उसके बाद पॉइंट पर चर्चा करेंगे 15 नंबर की पॉइंट, 15 पॉइंट आप इसे ध्यान रखिएगा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है ये, कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट है, और कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट बेसिकली लाया गया था 1948 में, इसे आप ध्यान रखेंगे। 16 नंबर का पॉइंट कर्मचारी एक
माप विदा एक्ट होता है, बेसिकली ये परीक्षा में नहीं पूछा गया है, उसको हटा दीजिए। कारखाना अधिनियम को नोट कर लीजिए, कारखाना एक्ट एक इम्पॉर्टेंट है, सन 1948। उसके बाद काले धन पर वैध बनाने की रोकथाम हुआ, 17 नंबर पर। काले धन को वैध बनाने की रोकथाम का एक एक्ट आया है, रोकथाम का एक एक्ट है जो 2002 में आया है। एक 18 नंबर के पॉइंट, केंद्रीय राज्य, केंद्रीय बोर्ड करिएगा, केंद्रीय बोर्ड राजस्व अधिनियम, राजस्व एक्ट, ये आया था 1963 में। एक आपका आता है ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, भुगतान एक्ट, तो ये सन 1972। और एक आपका आता है चार्टर अकाउंटेंट्स एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट आया था आपका सन 1949 को। यह आपके 20 एक्ट यहां पर हुए हैं। आगे बात करते हैं जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण का अधिनियम था, जल प्रदूषण नियंत्रण नियंत्रण का एक एक्ट आया सन 1974 में, इंपॉर्टेंट है पर्यावरण के दृष्टिकोण से। डिजाइन एक अधिनियम है, डिजाइन एक एक्ट है, यह एक्ट 2000 में आया है। एक 22 एक्ट की बात करेंगे, धर्मार्थ और धार्मिक न्यास अधिनियम है, एक धर्मार्थ और धार्मिक न्यास एक्ट है, यह एक्ट 1960 में आया था, और सॉरी 1920 में होगा, 1960 नहीं 1920 में आया था। और धर्मार्थ दान अधिनियम की बात करते हैं, धर्मार्थ दान एक एक्ट है, यह एक्ट 1890 में आया है। आपके ये 23 जो एक्ट हैं इम्पॉर्टेंट हैं, इसके आप लोगों को ध्यान में रखना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये अधिनियम आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। 24 पर आपको ध्यान रखना है, भारतीय स्टैंप एक्ट, भारतीय स्टैंप एक्ट सन 1899 में। 25 भारतीय साक्ष्य एक्ट सन 1872। 25th एक्ट यहाँ पर हुए। 26 नंबर का एक्ट आप ध्यान सुनिएगा, और भारतीय संविधान एक्ट, भारतीय संविदा एक एक्ट है, या एक्ट 1872 में। 27 नंबर का भारतीय भागीदारी एक्ट, भारतीय भागीदारी एक्ट, और 1932 आपको ध्यान रखना है। एक आपका 28 पर होगा भारतीय न्यास एक्ट है, ध्यान रखिएगा 1882। 29 पर अगर हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता आप सबको पता होगा 1860 है। और 30 नंबर का ध्यान रखिएगा भारतीय आयकर एक्ट, भारतीय आयकर एक्ट है, और यह भारतीय आयकर एक्ट 1922 का है। 30 आपके यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। 31 ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, और 31 में अगर हम बात करते हैं तो भारतीय अधिनियम रिजर्व बैंक, भारतीय अधिनियम अधिनियम रिजर्व बैंक 1934 याद रखेंगे। ब्याज एक आपका एक्ट है, ब्याज अधिनियम सन 1974 1974। 32 आपका कंप्लीट हुआ। 33 पर बात करेंगे बोनस भुगतान अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम पेपर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है,
या 1965 34 नंबर पे बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम, बेनामी लेन देन एक्ट है एक प्रकार का, ये निषेध बोला है, तो इस एक्ट को ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। सन 1988 35 आपको ध्यान रखना है। बीमा विनियामक एक एक्ट है जो विकास प्राधिकरण अधिनियम के नाम से जाना जाता है, और इस एक्ट को लाया गया सन 1999 में। 36 नंबर का पॉइंट आपके सामने है, प्रशिक्षक अधिनियम, और यह अधिनियम सन 1961 में आया है। प्रतिस्पर्धा एक्ट ये आपको लाया गया 2002 में, और पेमेंट एक एक्ट है 38 पेमेंट एक्ट अधिनियम 2002 का है ये भी, सॉरी 1970 का है, याद रखिएगा। एक आपका आता है 39 नंबर पर, पर्यावरण संरक्षण एक्ट, और ये आपका आता है 1986, ठीक है। और न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम 40 नंबर पे ध्यान रखेंगे, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कर लीजिएगा एक्ट, और ये आपका 1948। पंजीकरण एक अधिनियम है 41, पंजीकरण अधिनियम है एक एक्ट है, और यह एक्ट आया था सन 1908 में, ठीक है 1908 में। 42 अगर हम बात करते हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक एक्ट है, यह रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में लाया गया था, ठीक है। ये अधिनियम आप सब के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में, तो बच्चों से संबंधित अधिनियम कौन कौन से हैं, इन अधिनियमों पर भी हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। एक आता है 43 किशोर न्याय एक्ट, ये बेसिकली 2000 का है। उसके बाद 43 पर बात करेंगे, किशोर न्याय अधिनियम बेसिकली 2015 में भी आया। देखिए 1986 भी आया है, 2000 भी आया है, 2015 भी आया है, ठीक है याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 43 पर, तो 43 में निशुल्क और अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम है एक। निशुल्क ध्यान से सुनिएगा, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा एक बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है, या अधिनियम 2009 में लाया गया था। उसके बाद बात करते हैं 44 पर, बाल विवाह प्रतिषेध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्ट है, जो 2006 में लाया गया था, उसके बाद बात करते हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम है, ये 2005 में आया था। कौन से नंबर का ये है? 45। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 46 में, तो RTI का नाम सुना होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI कब आई है? 2005 में, अधिनियम के नाम से जाना जाता है, तो 2005 में, ठीक है। अब थोड़ा सा देखेंगे महिलाओं के संबंध में अधिनियम, ठीक है। ये सभी अधिनियम जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, इसको आप लोगों को पढ़ना होगा, और एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप परीक्षा में देखेंगे तो अवश्य आप लोगों से यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। 47 पे बात करते हैं, अगर हम लोग एक अधिनियम है बेसिकली, अगर हम बात करते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम, और यह अधिनियम 1961 में आया था। 48 की बात करेंगे तो महिलाओं ध्यान से सुनिएगा, महिलाओं के अश्लील अश्लील
प्रतिनिधित्व की बात करता है, प्रतिनिधित्व की बात करता है, या अधिनियम 1986 का है। 49 की बात करते हैं तो एक सती प्रथा निवारण अधिनियम था, निवारण अधिनियम है, सती प्रथा निवारण एक अधिनियम है, यह आया था 1987 में, 1987 में। 50 पर बात करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में एक अधिनियम है, मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में एक अधिनियम है, वो भी 1987 है, फिर इसका संशोधन 2017 हुआ, ठीक है, याद रखेंगे। 51 की बात करते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम है एक, राष्ट्रीय महिला, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग एक अधिनियम है, आयोग एक अधिनियम है जो 1990 में लाया गया था। 51 बात करेंगे, 52 के बारे में, 52 के बारे में, 52 आपको अगर हम बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा घरेलू, घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, महिलाओं का संरक्षण एक अधिनियम है, आप सबको पता होगा कि ये 2005 का है, ठीक है। आगे बात करते हैं 53 पर, तो महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, ध्यान रखिएगा ये भी एक एक्ट है जो 2013 का है। उसके बाद बात करते हैं 54 नंबर पर, तो ध्यान रखिएगा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न भी, देखिए ध्यान सुनिएगा, कार्यस्थल पर, ठीक है, महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जहां बेसिकली रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम के तहत इसे 2013 में ले आया गया था, तो 2013 में यह अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से आप सभी लोगों को इन अधिनियमों को याद रखना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है ये अधिनियम। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, 55 नंबर पर नोट करते हैं हम लोग, और वो होगा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम है, और यह एक्ट जो लाया गया सन 1956 में लाया गया था, 1956 में लाया गया था, ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना। तो ये अधिनियम के संबंध में मैंने आज जो आप लोगों से बातचीत यहाँ पर किया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन सभी अधिनियम को ध्यान रखिएगा, इन्हीं में से आप लोगों की परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके आगे बात करते हैं अब हम लोग, ये तो अधिनियम थे, सभी अधिनियम जो मैंने बताए हैं, जो भी अधिनियम रह गया होगा, जैसे कि कर्मचारी से संबंधित है, श्रमिक से, मजदूरों से संबंधित अधिनियम है, वो सब मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस लाइव में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा और भी प्रधानमंत्री योजना, सभी योजनाओं के बारे में, ठीक है। योजनाओं के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नंबर एक पर आप लिखिएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़क योजना, और इस योजना की अगर हम बात करते हैं तो 25 दिसंबर 2015 को भारत सरकार ने मेरी सड़क जब ऐप लॉन्च किया था, तो उसी दौरान बेसिकली 25 दिसंबर 2000 को यह जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाई गई, और 25 दिसंबर को अटल जी का जन्मदिन है। इसी में आप ध्यान से एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, मेरी सड़क एक ऐप है, इस ऐप को कब लॉन्च किया गया, तो 25 दिसंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रहेगा, नंबर वन हो गया। नंबर टू पे बात करते हैं, नंबर टू जो है मनरेगा, आपने नाम सुना होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार, और उसके बाद एम्पावरमेंट हो जाएगा, फिर ग्रामीण योजना हो जाएगी, मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी है, जिसको मनरेगा के नाम से जानते हैं हम लोग, और ये मनरेगा शब्द जो है बेसिकली 25 अगस्त 2005 को लाया गया था, ठीक है, एक अधिनियम के रूप में पारित हुआ था ये, ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2008 को पूरे देश में ये पूरे जिले में लागू हुआ, और नरेगा से मनरेगा जो बना है वो 2 अक्टूबर, ध्यान सुनिएगा, 2 अक्टूबर 2009 को। तीसरा आप ध्यान रखेंगे, आपने पढ़ा होगा इंदिरा आवास योजना के बारे में, इंदिरा आवास योजना 1 जनवरी 1996 को ये लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2006 को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से ये जाना गया, फिर इसका नाम बदल गया, नाम कब बदला, तो 1 अप्रैल 2016 को अब नाम क्या रख दिया गया है, तो अब नाम इसका प्रधानमंत्री आवास योजना
कर दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर फोर पर। पॉइंट नंबर फोर बेसिकली स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, ठीक है। आपने SGSY के नाम सुना होगा। ये एक अप्रैल 1999 को ये लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2013 को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से ये जाना गया, ठीक है। आजीविका मिशन के रूप में जाना गया कब से, तो ध्यान रखिएगा 2011 में, ठीक है, सॉरी 2013 में। ग्रामीण जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रहा है वो 2011 रहा है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, एक पार्ट आता है राज्य ग्रामीण को लेकर, तब आप कहेंगे कि 1 अप्रैल 2013। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक नाम आता है आपके सामने राज्य ग्रामीण के अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तब आप लोग सोचेंगे 2011, ठीक है। तो समाजकारी में अगर आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा नंबर है नोट किया गया है, आप मेरे नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो, पूरे कंटेंट आपको जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। अभी जो योजनाएं हैं, अनुच्छेद हैं, जो किताबें हैं, वो सारी क्लासेस मैं लाइव क्लासेस में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। क्लासेस पेड हैं, शाम की क्लासेस चलती है UGC नेट की, एक क्लास आफ्टरनून में 1 से लेकर 2 चलती है, एक क्लासेस शाम को 7 से 8 चलाई जाती है, ठीक है। UGC नेट का पूरा सिलेबस कवर करना है। इस समय आपका रिसर्च यूनिट नंबर 5 चल रहा है और आज 1 बजे जो आपकी क्लास चलने वाली है यूनिट नंबर 4, और वो होगा सामाजिक आंदोलन पर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी चाहिए तो ये नंबर है, आप नोट कर सकते हैं, इससे जो है बातचीत हमसे कर सकते हैं आज।